Yeah, we are. Good morning. 11:32. Good morning. Yeah. मैं यहाँ पर फॉल के रंग देखने के लिए आया था और मैंने कहा कि आप लोगों से भी थोड़ा सा बात हो जाए. बहुत सारे क्वेश्चन आंसर थे तो उस सिलसिले में मैं यहाँ पर आया था. और ये रिवरवुड का ज़बरदस्त किस्म का कंजर्वेशन एरिया है और मैं आपको दिखाता हूँ. ये देखें, ये है रिवरवुड का विजुअल आर्ट्स में मिसागा चैपल हाउस कंजर्वेटरी. और बहुत ही खूबसूरत और पॉन्ड भी है और क्रेड रिवर भी साथ साथ चल रहा है. ये देखें, ये क्रेड रिवर है. तो मैंने कहा चलें, आज कुछ तबीयत भी ज़रा सही थी और फॉल के रंग भी मैं आपको ज़रा थोड़ा सा दिखाता हूँ. यहीं से आप नज़र आई, ये देखें, ये फॉल के रंग है. ये फ्यू ब्यूटिफुल फॉल के रंग. और इस दौरान में कुछ क्वेश्चन आंसर वगैरह भी खेले जाएंगे. ओ वाओ, हु इज़ नॉट गोना वॉक ऑन दिस. खूबसूरत इलाका है, खूबसूरत खूबसूरत खूबसूरत. ये 11 डिग्री टेम्परेचर है और मेरी कोशिश होगी कि मैं आई एम फीलिंग रियली गुड. तबीयत मेरी काफ़ी हद तक वापस आ रही है और आई एम काफ़ी हद तक आई गॉट माई एनर्जी बैक. आई एम ऑन माई फुल शेप, फुल्ली लोडेड हूँ. वेदर की मुनासबत से थोड़ी थोड़ी गर्मी लग रही है लेकिन हाय चाइनीज़ लोग जो है ना, इन पार्क्स वगैरह में मैं आपको एक बात और भी बताऊं, क्योंकि मेरा चाइना काफ़ी जाना हुआ है और जो मैंने वहाँ देखा है 80-80 साल के 90-90 साल के जो बूढ़े होते हैं, दे रियली इन्जॉय द नेचर. दे इन्जॉय द नेचर और उसी मुनासबत से जो है ना वो अच्छा साथ साथ जो है ना चाहे जाके टाइम को ज़ाया किया जाए और वीडियो को बहुत लंबा किया जाए. तो मैं क्या नाम है, कुछ क्वेश्चन आंसर हैं वो और एक आदमी थी कि कनाडा नहीं आना चाहिए. एक मैंने यूट्यूब की वीडियो देखी थी, उसमें वो मौसूफा जो हैं अभी नई नई उनकी आमद हुई है और उन्होंने कनाडा के बारे में बहुत सारी, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि नाम लेके ना ज़रा थोड़ी सी कहानी ख़राब हो जाती है. और एक जनरल मिथ जो कनाडा के बारे में है, मैं उसे रियलिटी नहीं कहूँगा बल्कि मिथ कहूँगा, येलो ट्रेल. तो यहाँ से जो है ना हम अंदर अंदर जाएंगे और इसको एक्सप्लोर करेंगे इस रास्ते को और थोड़ी बहुत बातचीत भी करेंगे, अगर मैं गलत नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे जाना है क्रेडिट रिवर की तरफ. बहुत ही खूबसूरत जगह है और पहला थोड़ा सा मैं इधर पे, ये देखे ना, सुबह ही सुबह दाना डाल दिया गया है और फाख्ता जो है अब यहाँ पर इस आर्मस्ट्रॉन्ग वाइल्ड बर्ड ट्रैक सॉन्ग बर्ड, इतने सारे बर्ड जो है ना यहाँ पर आते हैं, जिसमें ये जो है विच इज़ माई फेवरेट, दिस इज़ कॉल्ड कार्डिनल. ये सारी जो हैं ये कैनरीज टाइप की, फिंच टाइप की हैं. मेल हमेशा खूबसूरत होती है. ये देखें, लुक एट दिस बर्ड. इज द क्रेड रिवर गोज दिस वे, इफ आई हैड टू गो टू द क्रेड रिवर? यस, यू फॉलो द पाथ. दिस वन? दिस वन डाउन एंड देन यू टेक अ राइट टर्न थ्रू द येलो गेट्स. ओके. डाउन. कीप गोइंग टू योर राइट. ओके. डाउन एंड डाउन 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 टू डाउन डाउन डाउन. ओके, थैंक यू, अप्रिशिएट दैट. हाँ, तो ये है रास्ता. वाव, ये देखें, इज इट टू स्टीप? नो, इट्स गुड. ऑलराइट, आई गेस फ्लैटन्स आउट वंस यू गेट इन. ऑलराइट, सो मैं एक दफा आया हुआ हूँ लेकिन आई फॉरगॉट. एक दफ़ा नहीं, तीन चार दफ़ा आया हूँ लेकिन याद नहीं रहता ना. ये देखें क्या ज़बरदस्त नेचर है ना. अच्छा, तो मिथ की बात कर रहा था मैं कि वो मौसूफ़ा ने कहा है कि भाई आते साथ ही यहाँ पर क्या नाम है, जॉब की कोई गारंटी नहीं है, भले आप वहाँ से पीएचडी करके आएँ तो और कुछ भी करके आएँ,
यहाँ से आप देखें, what a beauty, what a beauty। तो यकीनी बात है यहाँ जॉब की गारंटी नहीं होगी, यहाँ पर जॉबें आपके लिए रखी हुई नहीं है, अनलेस मुझे अच्छी तरह याद है, माई फादर यूज टू टेल मी दैट देयर इज ऑलवेज स्कोप एट द टॉप। तो अगर आप जो हाई इन डिमांड फील्ड्स हैं और उसमें भी अगर आप टॉप पे हैं और किसी को आपकी ज़रूरत है, आप अपनी मर्ज़ी से आए हैं, आपको बुलाया नहीं गया है, तो आपको इसके लिए अपनी स्टडी करनी पड़ेगी और स्टडी करके यहाँ जो जॉब हाई इन डिमांड है, जिस तरह आई टी है बहुत ज़्यादा हाई इन डिमांड है, और इस तरह की बेतहाशा जॉब्स हैं, आप गूगल करें, पता करें कि किस जॉब की डिमांड है, क्योंकि बहुत सारी मेरे पास जो क्वेरीज आती हैं वो इस तरह की आती हैं कि हम फलाने ऑफिस में काम करते हैं या हम इतने अरसे से काम कर रहे हैं। तो आप जाएं जाके canada.ca की साइट पे जाके देखें कि आपकी जॉब की डिमांड है कि नहीं। पता है कि वापसी में मेरे साथ जो है ना, हालांकि कल मैंने वो स्ट्रीट बाइक जो होती है, एक तो माउंटेन बाइक होती है, एक स्ट्रीट बाइक होती है, तो काफ़ी प्रैक्टिस की थी कल टू गेट माई एनर्जी बैक, लेकिन आई एम गेटिंग माई एनर्जी बैक, लेकिन स्टिल मुझे पता है कि जब मैं वापसी में आऊँगा तो हालात जो हैं काफ़ी बदल चुके होंगे। अच्छा, इन्होंने एक ही अच्छी चीज़ की है, पिछली दफ़ा जब मैं आया था तो ये नहीं था, ये मैश इन्होंने डाल दी है कि अगर बर्फ़ भी पड़ेगी तो उससे लोगों को वॉक करने में आसानी होगी। ये एक किस्म की दरख्तों की जो मैश कैसे निकालते हैं, ये कार्बन मशीन से करते हैं या क्या करते हैं, और ये यहीं पर ही इकट्ठा किया है इन्होंने दरख्तों से, जो टूट टूट के गिरा हुआ होता है, तो क्या नाम वो इन्होंने यहाँ पर डाल दी। मैंने आपसे कहा था ना कि एक कम्युनिटी है जो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है और वह है चाइनीज़, ये बहुत ज़्यादा नेचर लवर होते हैं और हर वक्त एक्टिव और हर वक्त बिजी रहते हैं। येलो डोर, ओके, आई हैव टू गो दिस वे और दिस वे, आई डोंट नो, लेट मी गो दिस वे। मुझे याद पड़ता है उस बंदी ने कहा था कि राइट साइड पे जाना है, यप मैं सही जा। अब आप देखें व्यूअर, यहाँ से आप नेचर के वो सही मानों में। अच्छा, उनका दूसरा वो ये था कि यहाँ पर मासियाँ नहीं मिलती हैं, आई वॉज लैफिंग ऑनेस्टली स्पीकिंग। और यहाँ मैं दो चार फैमिलीज को जानता हूँ जो कराची में पैम्पर्ड थी मासियों के उसके ऊपर, सुबह बेगम साहब उठी, एक नौकरानी उठ के आई, उसने कॉफ़ी दे दी या चाय दे दी, फिर उसके बाद उसने नाश्ता बना दिया, फिर सफाई करने वाली आ गई, उसने साफ कर दिया, फिर एक और आ गई जिसने बर्तन धो दिए और कपड़े धो दिए, फिर बाद में शोफर आ गया उसके साथ, वो बाज़ार शॉपिंग के लिए चली गई। तो यहाँ ऐसी कोई साइंस नहीं है, शोफर भी आप ही हैं और क्या नाम है, मासी भी आप ही हैं, स्वीपर भी आप ही हैं, और सुबह के वक्त शेफ भी आप ही हैं, तो ये सारे काम तो आपको करने पड़ेंगे। तीसरी बात उन्होंने कही थी कि जी टैक्सेस बहुत हाई हैं, यकीनी बात है जो आपको फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं वो गवर्नमेंट अपनी जेब से तो नहीं देगी, कहाँ से लाएगी। ये देखें फॉल के रंग रेड टेल, क्रेडिट रिवर वैली, क्रेडिट वैली इज द बैकबोन ऑफ द वाटर शेयर्स नेचुरल हेरिटेज सिस्टम, द वैली एंड एसोसिएटेड फ्लड प्लेन प्रोवाइड्स इंपॉर्टेंट नेशनल हैबिटेट फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स, इट इज ऑल्सो ए मेजर माइग्रेटोरी कॉरिडोर फॉर वाइल्ड लाइफ बिटवीन लेक ओंटारियो एंड द नियाग्रा एस्कार्पमेंट, जबान पर नहीं चढ़ता, एंड ओक रिज मरीन टू द नॉर्थ। The seasonal flooding in the valley area is a natural process that alters the meander, matlab nahi aata, of the river course, protects tableland settlement from the impact of flooding and creates an essential amphibian, iska bhi matlab nahi aata. Ab ye do naye lafz aapne seekhe, meander iska kya matlab hai, viewers aap iska google translate karke mujhe batayega iska matlab mere comments mein, aur ek ye lafz hai एम्फीबियन। अच्छा, ये क्या है, वाइट ट्रेल डियर, इस इलाके में ये वाइल्ड ट्रेल डियर भी होता है। ओह मैन, पता नहीं कितने की हो गई, वाइट ट्रेल डियर साइंटिफिक वर्ड है आगे, आर ऑफन सीन हियर इन द स्प्रिंग फीडन ऑन न्यू प्लांट ग्रोथ, 30-40 डियर करंटली लिव इन एंड अराउंड रिवर इन द, प्लीज एंजॉय वॉचिंग
the deer from a distance, but do not approach or feed them or other wildlife. तो ये देखे ना, अच्छा ये भी इन्होंने ये चेंज किए फट्टे, जब पिछली दफा आया था तो ये फट्टे. तो दे डू मेंटेन ऑल दिस स्टफ. वाह जी वाह, अभी भी रंग पूरा आया नहीं है. मैं मस्कोका का इलाका है, मैं निकलने लगा तो मेरी वाइफ पूछने लगी कि कहाँ जा रहे हैं. मैंने कहा यार इस तरह आज तबीयत सही है तो आई विल गो. ये देखें ये सारी की सारी जो है यहाँ पर. ओ मैन व्हाट अ ब्यूटी. अच्छा ये मजे की बात, ये जो इलाका है इट इज मिडल ऑफ द हार्ट ऑफ इन द हार्ट ऑफ मिसागा. और अब तक ये अगर पाकिस्तान में या इंडिया में होता तो इसकी चाइना कटिंग हो चुकी होती, लेकिन इन्होंने इसको मेंटेन किया हुआ है. इसकी वजह से आप आसमान देख सकते हैं, क्या पोल्यूशन फ्री है. एंड आई एम हैविंग ए वेरी रियली गुड टाइम. पर्पल लूज स्ट्राइप, ये देखे ना किस तरह के यहाँ पर पौधे होते हैं. मैकीवन क्रीक, आई मीन रेड ट्रेल. ये अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कैमरे के बारे में, तो मैं अक्सर बता भी देता हूँ. पहले मेरा था ख्वावे निकालूं, फिर था कि आईफोन 12 निकालूं, फिर मैंने कहा नहीं आई विल, क्योंकि इस ये जो DJI है इसकी जो वो है क्या नाम है स्टेबलाइजेशन है, दैट इज टॉप ऑफ द लाइन. वाओ लुक एट दैट. एक और क्वेश्चन था कि भाई आप इंग्लिश में किया करें तो आपकी व्यूअरशिप बढ़ेगी. मैं व्यूअरशिप ऑब्वियसली हर एक को चाहिए होती है, कोई भी यूट्यूबर होता है वो इस देखता रहता है कि भाई उसके सब्सक्राइबर कितने हुए, कितने व्यूज़ हुए, कितने कमेंट्स आए, कितने लाइक आए. लेकिन मैं अपनी व्यूअरशिप के लिए उन लोगों के साथ, यस ब्रदर आई ओके आई यू वांट टू रेंट एम आई करेक्ट? यस रेंट. या यू डोंट वांट टू बाय एनी रेस्टोरेंट बिलो 5000 स्क्वायर फीट? No, not buying. For now, it's renting. All right. I looked into it, and I will definitely. I'm gonna pass on to my son. He's a realtor too. Yeah. So I'm gonna pass on to him all the info. But the problem at this time is there are two kinds of rentals. One is you can have any building or any place. I can have what? Any kind of place. Yeah. Which is without hood or not zoned for, then you have to go through all the city requirements to zone it and put your hood and exhaust system and all that kind of stuff. Yeah. If you are interested in that, I'm glad you called. So it'd be fine. Then I can look for you. There are going to be plenty of places in industrial and regular places. Then you have to deal with the landlord and city. Yeah. There are second options. The second option is you're looking for some place which has already exhaust system, which is very, very next to impossible at this time. Yeah. To with some exhaust system, empty place. So what is in your mind, by the way? No, in my mind, I'm looking for something already there. Like it has the exhaust hood and some basic stuff in the kitchen. For sure, if they have tables and chairs, fine. If they do not have, that's something else. But the most important thing is the hood. Brother, it is quite, maybe somewhere remote industrial area you may be able to get it for rent. Yes, you have to buy. Because the hood alone, you know, nobody's going to rent it out with the hood. Hood alone cost about $40,000 to $50,000, depending how big the hood is. Am I right or wrong? Yeah, that's correct, but I don't know. I have been in the market shopping and looking for a few things. I have seen some places in downtown, close to downtown, where they have these all of that stuff that I have mentioned to you. All right. Just for rent, yeah. Yeah. Yes, in downtown with a rent of 18,000, 15,000 or 10,000, quite possible. I won't challenge the bet on that. Am I right about that or not? No, I have seen variety, to be honest. I have seen below 5, I have seen 6. Just now before I call you, I have seen advertisement from one of the brokers. He sent me some few places and below 5,000 and 6,000. And they are empty places with the exhaust hood. With the exhaust hood, yeah. I didn't know, to be honest with you, if there is another extra payment for that. But I was clear with them that I want something for rent with the same information that I have provided for you. And they have sent me a bunch of places.
But these are mostly in downtown. And to be honest with you, as I mentioned to you, I prefer if there is in Mississauga. Brother Ahmed, I understand where you're coming from. I will look into it and I'll get back to you about that. In Mississauga, I can tell you ahead of time, impossible at this time because, there are a lot of influx for immigrants. And everybody is looking for... Etobicoke, Oakville, North York, somehow in Toronto area, with the border of with Etobicoke, still fine. Okay, inshallah. So I will get back to you about this, brother, inshallah. Inshallah. Assalamu alaikum, brother. Givers. देखें अब ये मेरे हिसाब से ये 70 से ऊपर के होंगे और ये देखें जिस तरह मैंने पहले कहा था चाइनीज हैं अच्छा ये देखें ओह माय गॉड दिस अ ब्यूटी ऑफ डीजीआई और अब मैंने जिस तरह पहले कहा था कि नेचर लवर्स जो हैं सिर्फ यही नजर आएंगे You know, they charge for this. If you're taking picture for this, they're going to charge you. What? If you're taking a picture of all these leaves, they're going to charge you. Oh, no. I'm just kidding. Happy birthday. You too. देखा ना, Chinese कितने nature lover होते हैं, वो चल रही है और वो क्या नाम है पत्तों के की picture उतार रही है. I wish I could मैं आप लोगों को उसकी एक्सप्रेशन दिखा सकता जब मैंने उसे कहा कि दे विल चार्ज यू अच्छा तो ड्राइव कहाँ नहीं करना पड़ता यकीनी बात है यहाँ के तीन महीने बहुत टफ होते हैं उसमें आपको ग्रोसरी से लेके हर चीज़ के लिए आप 400 मीटर भी नहीं चल सकते आई एग्री विद दैट तो आपको इसके लिए गाड़ी तो चाहिए होगी दुनिया में कौन सा मुल्क है जहाँ पर दुनिया में ऐसे मुराद ये है कि वेस्टर्न वर्ल्ड में एटलीस्ट गाड़ी तो आपको चाहिए ही चाहिए ओ माय गॉड आई विश आई कैन स्टे हियर ऑल डे देखें यहाँ भी प्लीज क्लीन अप आफ्टर योर पेट डॉग मस्ट बी ऑन अ लीश अगर वो देख रहे नीचे जो है जो एक नेचुरल नंबर दो करेगा कोई भी कुत्ता या जो कुत्ते ही होते हैं नॉर्मली तो आपको उसको उठाना होगा खुद ऐसा नहीं कि आप छोड़ के चले जाएंगे इट इज़ द नेचर हियर नेचर इज टॉकिंग अच्छा और आपकी क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पर मैच नहीं करती तो यहाँ पर मैंने अच्छा चले इस सिलसिले में मैं थोड़ी सी बात कर लूँ यहाँ बेतहाशा लोग मेरे जानने वाले भी लोग आए यहाँ पर और वो या तो सिक्योरिटी कैमरे लगा रहे हैं और जो अच्छे थे जिन्होंने अपने आप को पाकिस्तान में या इंडिया में अपडेट रखा था माइक्रोसॉफ्ट है ओरेकल है मैं आईटी की बात कर रहा हूँ या इससे रिलेटेड जो भी हैं तो वो आते साथ ही जॉब पे लग गए अगर आप अपडेटेड नहीं हैं अब वो ज़माने वो पुराना ज़माना तो चला गया कि आप मैट्रिक किया इंटर या बीए करके आप किसी दफ्तर में भर्ती हुए थे और अपनी सीनियरिटी के बेस पर कुछ किए बगैर आप ऊपर अब ये कम्पिटेटिव ज़माना है यू हैव टू अपग्रेड योर सेल्फ मैं अच्छा काफ़ी हद तक कुछ अर्से में मेरी ओल्ड एज बेनिफिट शुरू हो जाएंगे मैं अभी भी अपने आप को अपग्रेड कर रहा हूँ अभी भी मैं भले कोई सॉफ्टवेयर हो मैं कोई अपनी तारीफ नहीं करता आपके हर बात में अपने आप को बीच में घुसेड़ लेता है लेकिन मैं अपने आप को अपग्रेड करता रहता हूँ छोटी सी मिसाल है जिस तरह आजकल फेसबुक का है डिजिटल मार्केटिंग है या मेरे से रिलेटेड जो है वीडियो की उसके अंदर है तो आपको अपग्रेड तो करना पड़ता है आपको अपने दिन का एटलीस्ट दो घंटे एक घंटा दो घंटा जो है मज़ीद पढ़ाई के लिए आपको लगाना पड़ेगा तो अगर आप पुरानी क्वालिफिकेशन वहीं की लेके आए हैं और उसके ऊपर चल रहे हैं इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल के आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकें तो ये भी एक मेरे हिसाब से मिथ ही कह सकते हैं या नॉट क्लोज टू रियलिटी क्या खूबसूरत वो है दूसरा या तीसरा गोरा देखा है अदरवाइज सारे चाइनीज और लुक एट दैट और ये भी यहाँ के लोकल गोरे नहीं है बल्कि ये ईस्टर्न यूरोप के फिशिंग रेगुलेशंस देखिए हर चीज़ में एक रेगुलेशंस है वो होंगी यहाँ से पढ़ नहीं सकेंगे यहाँ धूप पड़ रही है ये है जी रिवर क्रेडिट रिवर रिवर क्रेडिट या क्रेडिट रिवर जो भी कहलाता है ये यहाँ से गुजर रहा है
अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन क्या था? अच्छा जी, अच्छा, क्योंकि आप यहाँ पर, इनका एक और था कि जी वेरी डिप्रेसिंग होते हैं आप, ऑब्वियसली आपके यहाँ पर ना, तो इन जनरल केसेस आपके पेरेंट्स हैं यहाँ पर, ना तो आपका ससुराल है यहाँ पर, ना आपके सारे भाई बहन हैं यहाँ पर, गेट क्वाइट डिप्रेसिंग। लेकिन आपको इसके हिसाब से यहाँ पर अपनी एक्टिविटी ढूंढनी पड़ेगी, आप अपने आप को बिजी रखें। मैं तो कभी कभी कहता हूँ काश के दिन जो है 48 आवर्स का हो, आप अलोन कहाँ से होंगे? अगर आप अपने आप को बिजी रखते हैं, यू नॉट गोना बी अलोन। तो ये एक तो ये कुछ दो चार चीज़ें थी जो अच्छा हाँ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि यहाँ पर विंटर बड़ा हार्श होता है, ऑब्वियसली विंटर इज़ वेरी हार्श। लेकिन मैं इस वक्त जिस तरह मैं बंडल अप हुआ हुआ हूँ, वो वैसे टेम्परेचर भी इस वक्त 10 डिग्री के करीब है, 10-11 के करीब है, और मैं यहाँ के, ये देखें ना, मैं ये दिखाता हूँ आपको, ये देखें, ये जो जा रहे हैं सब चाइनीज नेचर लवर, और हम लोग जो है पान की दुकान वाले लवर, या चौक वाले लवर, या धरने वाले लवर, जिस तरह आजकल वो TLP का चल रहा है, टैली के लब बैक पाकिस्तान, आई मीन वी हैव नथिंग टू डू, तो हम बहाने ढूंढते हैं अपने आप को बिजी रखने के लिए। तो विंटर हार्श होता है ऑब्वियसली, बट इफ यू आर ड्रेस प्रॉपरली। अब मैंने नीचे इसी 11 के अंदर भी, मैं आपको बताऊं तो आप लोग हंसेंगे कि मैंने कितनी लेयरिंग की हुई है। आई हैव 3 पजामास, जबकि 11 डिग्री है, 3 पजामास, एक बॉक्सर शॉर्ट, और ऑब्वियसली उसके नीचे जो भी होता है, यू नो दैट। तो आई मीन दीज आर द थिंग्स, और ऊपर जो है मैंने 1, 2, 3 लेयर्स मेरे ऊपर है, एंड आई एम फीलिंग वेरी कंफर्टेबल। इफ यू आर ड्रेस प्रॉपरली, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। अच्छा जी, आए अब जरा कमेंट्स की तरफ चलते हैं।